ऑल, मैं अर्पिता आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पाकसाल में। तो आज है पवित्र रथ यात्रा, तो पवित्र रथ यात्रा के अवसर में आप सबको रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश ए हैप्पी रथ यात्रा टू ऑल। तो जैसे मैंने बताया था, आज रथ यात्रा के अवसर में जगन्नाथ जी का जो काट फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। वो अपने दोनों सिबलिंग्स सुभद्रा एंड बलभद्र के साथ वो अपने मौसी के घर घूमने जाते हैं और उसके वजह से ये काट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो काट फेस्टिवल के लिए बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं एक्सेप्ट द एवरीडे रिचुअल्स ऑफ जगन्नाथ जी, बट फिर भी रथ यात्रा के दिन रथ के ऊपर चढ़ने से पहले भी उनके सारे रिचुअल्स, जैसे कि उनको जितना भी टाइम प्रसाद चढ़ाया जाता है या जो भी रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं वो सब फॉलो किया जाता है। तो ऑब्वियसली रथ यात्रा है तो थोड़ा हड़बड़ी तो रहता ही है, तो वैसे हड़बड़ी में भी वो अपना जो सबसे फेवरेट एक रेसिपी है वो खा के ही रथ के ऊपर चढ़ते हैं, और जिसका नाम है घिया अन्न। इसको आप घी राइस भी बोल सकते हो। ये प्योर घी से ही मतलब बनता है, मतलब घी का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और ये वन ऑफ द फेवरेट एंड क्विक रेसिपी ऑफ जगन्नाथ जी है। तो चलिए देखते हैं ये जो घी राइस या घिया अन्न कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, सो लेट्स एक्सप्लोर। तो घी राइस या घिया अन्न बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा राइस, क्लेरिफाइड बटर या घी, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, छोटी इलायची, नींबू का रस और लास्टली नमक। तो अभी हमें घी राइस या घिया अन्न बनाने के लिए चावल चाहिए सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे तो मैं अभी ऐड कर रही हूँ 1 कप चावल। आप कोई भी चावल ले सकते हो, मैंने यहाँ पे नॉर्मल चावल लिया है। अभी इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारा पूरा जो चावल है वो अच्छे से सोक हो जाए, और इसको अभी मैं 10 से 15 मिनट अलाउ करूंगी ताकि ऐसे वो सोक होके थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। साइड वाइज मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है और इसमें मैं अभी ऐड करूंगी 4 से 5 टेबलस्पून घी। जैसे कि आपको पता है घी राइस है तो ऑब्वियसली घी का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए हमें। घी गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे 10 से 15 काली मिर्च, 8 से 10 लौंग और अभी 2 तेज पत्ता मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया 4 इलायची, और अभी इसमें हमने जो भिगो के रखा हुआ था चावल वो अभी मैं ऐड कर दी हूँ। अभी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट ताकि हमारा जो राइस है घी का फ्लेवर थोड़ा एब्जॉर्ब कर ले। तो 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और अभी हम इसको फिर से एक क्विक मिक्स दे देंगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और अभी इसमें मैं ऐड करूंगी 2 कप पानी। मैंने चावल 1 कप लिया था तो इसलिए मैंने 2 कप पानी यहाँ पे ऐड किया है, और इसको मैं अभी ढक लूंगी और इसको मैं अभी पकने दूंगी। तो कुछ टाइम पकने के बाद, ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट पकने के बाद, अभी आप जैसे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो चावल है वो ऑलमोस्ट 60% कुक हो चुका है। उसका अपीयरेंस से ही पता चल रहा है। हम थोड़ा सा एक छोटा सा मिक्स दे देंगे, ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे क्योंकि चावल जो हमारा है वो टूट सकता है। तो चलिए अभी हम इसको फिर से ढक लेते हैं और हम इसको कम्प्लीटली कुक होने तक वेट करेंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मेरा जो चावल है वो ऑलमोस्ट 90% कुक हो चुका है। चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो अभी आप जैसे देख सकते हो जब एक चावल के दाने को लेके ब्रश किया तो वो अच्छे से स्मैश हो जा रहा है, मतलब हमारा चावल ऑलमोस्ट डन है 90%, और थोड़ा थोड़ा पानी है जो कि अभी हम 5 से 6 मिनट उसको पका लेंगे तो वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा और हमारा राइस जो है वो भी कम्प्लीटली कुक हो जाएगा। अभी और 5 मिनट पकाने के बाद हमारा राइस जो है रेडी हो चुका है क्योंकि जो पानी था वो भी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है राइस ने। और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 1 नींबू का रस। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। नींबू के रस के बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से 1 से 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है, और घी ऐड करने के बाद मैं इसको फिर से ढक लूंगी 2 से 3 मिनट ताकि घी है वो पिघल जाए और उसका जो फ्लेवर है वो राइस में मिक्स हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद हमारा जो घी राइस है वो बिल्कुल भी रेडी है गरम गरम सर्व करने के लिए। ये जो घी राइस जगन्नाथ जी का बड़ा फेवरेट है, और मोहुरा रेसिपी जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था वो और घी अन्न या फिर घी राइस वो बहुत ही प्यार से खाते हैं, उनका बहुत ही पसंदीदा है। तो घर पे भी आप जरूर बनाइए ये पवित्र रथ यात्रा के अवसर में, और आपका एक्सपीरियंस बताना बिल्कुल भी ना भूले।
तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नए अपडेट्स आपको तुरंत ही मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग महाप्रसाद रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।